हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आई लव स्टूडेंट शमित कुमार। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन। आप देख रहे हैं पार्ट 3 हिंदी गद्य की रचनाएं। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर देखें। ये पार्ट 3 है हिंदी गद्य की मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 रचनाएँ, ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, पहली रचना आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, 42 नंबर पे। अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि माने गए हैं, आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा। अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि माने गए हैं, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, परमानंद दास, सूरदास, कुंभन दास, कृष्ण दास। तो जो इसका सही आंसर वो है सूरदास। अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं सूरदास, इसका सही आंसर है। इसी तरीके से सिद्ध साहित्य से आशय है व्रजयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य, मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य, सिद्ध धर्म का साहित्य, सिद्ध प्राप्त कवियों द्वारा रचित साहित्य। जो इसका सही आंसर है वो है ए, व्रजयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य सिद्ध साहित्य से आशय है। ठीक है, इसी तरीके से 44 नंबर पर प्रश्न दिया गया, नाथ साहित्य किस काल की रचना है, आपको बताना है, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है, नाथ साहित्य किस काल की रचना है, वो है आदि काल। ठीक है, आपको याद रखना है। इसी तरीके से आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से, देश विदेश से, लोक विशेष से। तो जो इसका सही आंसर है वो है क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, क्षेत्र विशेष से। इसी तरीके से 46 नंबर पे ऑप्शन दिया गया है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे ब्रह्मानंद, चौरंगी नाथ, दीनानाथ, गोरखनाथ। तो जो इसका सही आंसर है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे, आपका सही आंसर है, आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, गुलाब राय। तो जो इसका सही आंसर है, हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है, रश्मि रथी का नायक कौन था, महात्मा गांधी, कृष्ण राम, कर्ण। तो जो इसका सही आंसर है, रश्मि रथी का नायक कौन है, कर्ण, आपका सही आंसर है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, पद्मावत में किस मुगल बादशाह का प्रसंग आया है, औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं, बाबर। तो जो इसका सही आंसर है वो है औरंगजेब। पद्मावत में किस मुगल बादशाह का प्रसंग आया है, औरंगजेब सही आंसर है इसका। ठीक है, 50 नंबर पे आपका ऑप्शन दिया गया है, सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्राय की संज्ञा किसने दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निराला रहीम। तो जो इसका सूफी काव्यधारा को प्रेमश्राय की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी, इसका जो सही आंसर है वो है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरीके से और भी प्रश्न दिए गए हैं आपको, रामानंद किसके गुरु थे, आपको पता होगा कबीरदास के गुरु थे। रामानंद किसके गुरु थे, कबीरदास, इसका सही आंसर है। इसी तरीके से और भी प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस। तो जो इसका सही आंसर है, भूषण किस रस के कवि थे, वीर रस, आपको याद रखना है। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था, हरिदास, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास। तो मीराबाई के गुरु का नाम रैदास, आपने जीवन परिचय में पढ़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से लमही नामक स्थान किस साहित्यकार के साथ जुड़ा है, अमरकांत, मुंशी प्रेमचंद, उपेंद्रनाथ, अस्क, ज्ञान रंजन। जो इसका सही आंसर है, लमही नामक स्थान किस साहित्यकार के साथ जुड़ा है, वह है मुंशी प्रेमचंद्र, आपको याद रखना है। तुलसीदास की भक्ति में कौन सा भाव निहित है, दास्य भाव, सखा भाव, माधुर्य भाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तुलसीदास की भक्ति में कौन सा भाव निहित है, इसका जो सही आंसर है वो है दास्य भाव, आपको याद रखना। इसी तरीके से हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, सोमयू को, सरहप्पा को, अब्दुल रहमान, पुष्यमदंत। तो जो इसका सही आंसर है वो है स्वयंभू, आपको याद रखना है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, स्वयंभू, इसका सही आंसर है आपको। इसी तरीके से और भी प्रश्न दिए गए हैं, बांदा जनपद के किस ग्राम में तुलसीदास का जन्म हुआ था, आपने पढ़ा होगा तुलसीदास का जीवन परिचय
तो आपको जरूर पता होगा। अगर आपने जीवन परिचय की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप उसे जरूर देखें। राजापुर, तो जो इसका सही आंसर है, बाना जनपद के किस ग्राम में तुलसीदास का जन्म हुआ था, तो है राजापुर, जी राजापुर ग्राम में हुआ था। तो इसका सही आंसर है डी, राजापुर। और श्री रामचरित मानस में कितने कांड हैं, आपको ये जरूर पता होगा, 7। श्री रामचरित मानस में 7 कांड हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है, केशव दास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया है, आपको पता होगा। कि केशव दास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा गया है, आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, जहांगीर, जस, चंद्रिका, रतन, वावानी, रामचंद्रिका, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है रामचंद्रिका। केशव दास की रामचंद्रिका रचना को छंदों का अजाय वगर कहा जाता है या कहा गया है, आपको याद रखना है रामचंद्रिका इसका सही आंसर है। इसी तरीके से और भी प्रश्न दिए गए हैं, आधुनिक काल में किस कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक काल में किस कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई है। तो जो इसका सही आंसर है वो है श्रीधर पाठक। और भी दिए गए ऑप्शन, भारतेंदु, निराला, अज्ञेय। तो जो इसका सही आंसर है आधुनिक काल में किस कवि को सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई, वो है श्रीधर पाठक, आपको याद रखना है। इसी तरीके से लास्ट प्रश्न है, भारतेंदु ने अपनी किस रचना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है, प्रबोधिनी, भारत विलाप, भारत बाहर है मसा, भारत बाहर है मसा, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो प्रबोधिनी। भारतेंदु ने अपनी प्रबोधिनी रचना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है, आपको याद रखना। इसी तरीके से पार्ट 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन, नेक्स्ट वीडियो चल रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।